आज हम क्लास सेकंड का ईवीएस में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था, लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज तीसरा पार्ट क्या है इसका, इसका अभ्यास है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि क्या है। आई एम ग्रोविंग, अब मैं बढ़ रहा हूँ, ये लेसन का नाम है आपके। अब आगे इसका क्वेश्चन दिया हुआ आपको, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सर्कल करना है या राइट करना है जो कि इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन है कि आपको वो ठीक होगी उस पर क्या करना है, सर्कल करना है। अब आगे क्वेश्चन देखो, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न एज बेबी या टॉडलर्स। अब देखो, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी इंसान हैं वो क्या है, आर बोर्न, किस रूप में जन्म लेते हैं, सभी इंसान क्या है, किस रूप में जन्म लेते हैं, बेबीज, बेबीज के रूप में लेते हैं या टॉडलर्स के, तो इसका क्या आएगा, बेबीज, क्या आएगा, बेबीज। दूसरा देखो, न्यू बोर्न कैन नॉट या कैन सिट अप एंड वॉक। न्यू बोर्न जो नवजात शिशु है, कैन नॉट नहीं कर सकते, कैन कर सकते हैं, सिट अप एंड वॉक, बैठ सकते हैं या चल सकते हैं और चल सकते हैं। तो जो नवजात बच्चा होता है वो ना ही तो चल सकता है और ना ही बैठ सकता है, तो इसमें कैन तो नहीं आएगा। कैन तो क्या होता है, जो कर सकता हो, तो यहाँ क्या आएगा, कैन नॉट, क्या आएगा, कैन नॉट, इस पे क्या करना है, राइट करना है। टॉडलर्स ग्रो अप टू बिकम बेबीज या यंग चिल्ड्रन। तीसरा क्या है, टॉडलर्स जो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे, ग्रो अप टू बिकम, बड़े होकर बनते हैं, बेबीज बनते हैं या यंग चिल्ड्रन। जो बेबी तो है ही, मतलब छोटा बच्चा तो है ही, तो वो क्या है, बेबी तो नहीं बनेगा, यंग चिल्ड्रन थोड़ा और बड़ा बच्चा बन जाता है, तो क्या है इसका, यंग चिल्ड्रन, क्या आएगा, यंग चिल्ड्रन, इसका ये कर दोगे राइट, ठीक है। अगला फोर्थ देखो, ए स्मॉल सीड ग्रो इनटू ए हैंड या प्लांट। अब स्मॉल, छोटा सीड क्या होता है, बीज होता है, और हैंड का क्या होता है, एग होता है, तो ये तो हैंड तो है ही नहीं। स्मॉल सीड ग्रो इनटू ए हैंड या प्लांट, तो सीड बीज क्या होता है, बड़ा होकर क्या बनता है, प्लांट, प्लांट्स, क्या बनता है, प्लांट्स। ये आपको सर्कल का करेक्ट ऑप्शन ये आपको करने हैं। अब आगे देखो, हमें इसमें प्रोसेस देखनी है कैसे होती है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हमें नंबरिंग लगानी है इनके अंदर, ठीक है। तो पहले देखो, पहले ये तो क्या है, मुर्गी तो नहीं आती ना सीधी, पहले क्या होता है, एग, अंडा आता है ना, तो ये क्या है, एक नंबर, क्या है, एक नंबर। अब दूसरा क्या हुआ, अंडा होता है, फिर वो थोड़ा बहुत क्या है, उसमें दरारें वगैरह आती है, तो वो क्या हो गया, थोड़ा चूजा बनने लगे ना उसमें, तो ये क्या हो गया, दो नंबर, सेकेंड। उसके बाद क्या है, उस अंडे में से चूजा निकल गया, ठीक है। तो क्या है, पहले अंडा आया, एग, फिर ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चा बनने लगा, और अब क्या, इसके अंदर से चूजा निकला, ये क्या है, थर्ड पर, थर्ड नंबर, और लास्ट में क्या है, हैन, मुर्गी बन गई, ठीक है। तो ये क्या है, फोर, आपके बुक में दिए हुए ये है, आप इसमें नंबरिंग लगा लेना। आगे देखो, अगला क्या क्या होगा, फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द नेम ऑफ दिस हॉबीज। ये जो आपको लेटर दिए हुए हैं, ये क्या है, इसमें मिसिंग यही नंबर है ना, तो ये क्या है, आपको उनको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। अब देखो, पहला क्या है, साइकिलिंग, साइकिलिंग की स्पेलिंग क्या होती है, एस वाई सी एल आई एन जी, क्या हो गया, साइकिलिंग। आगे देखो, पेंटिंग, तो पेंटिंग पी ए आई एन टी एन जी, पी ए टी एन आई पी ए आई एन टी आई एन जी, पेंटिंग, पेंटिंग की क्या आएगी, पी ए आई एन टी आई एन जी, पेंटिंग। आगे देखो, स्विमिंग, स्विमिंग की क्या आएगी, एस डब्ल्यू आई, एस डब्ल्यू आई एम
टाइम आता है ना यहाँ पे एस डब्ल्यू आई एम आई एन, एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी स्विमिंग, क्या आएगा स्विमिंग। आगे देखो सिंगिंग का क्या आएगा एस आई एन जी आई एन जी सिंगिंग। अब स्टार्टिंग से देखो सी वाई सी, ये नीचे से हटा दो समझ में नहीं आएगा वरना, सी वाई सी एल आई सी सी एल आई एन जी साइकिलिंग। आगे देखो पेंटिंग पी ए आई एन टी आई, ये आई है एन जी पेंटिंग, ये नीचे से लगा लेते तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ये देखो पी ए आई एन टी आई एन जी पेंटिंग एस डब्ल्यू आई, ये भी एस डब्ल्यू आई एम डबल एम, ये क्या है डबल एम आई एन जी स्विमिंग, क्या हो गया स्विमिंग। आगे देखो सिंगिंग एस आई एन जी, क्या हो गया सिंगिंग। तो ईवीएस का अभ्यास जो सब कंप्लीट करवा दिया है तो ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, सारा अभ्यास लिखना है क्वेश्चन आंसर ये, और आपको याद करना है सारा, और चैप्टर है वो रीडिंग करना है।